पता चल रहा है कि हाँ बेबी का फेस तुम पे गया है, अब लग रहा है। कैसा लग रहा मामा? ये मेरा आइडिया मामा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही फन और क्रिएटिव होने वाली है। आज हम अपने अंदर के आर्टिस्ट्स को बाहर लेके आने वाले हैं। और रोशन को भी काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, लाइक आर्ट करना और ड्राइंग स्केचिंग करना। मुझे भी काफ़ी पसंद है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो आज उसका पूरा यूटिलाइज करने वाले उस टैलेंट का हम, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बेबी का 1 मंथ का फोटोशूट। यस, और वो फोटोशूट हम लोग खुद से कर रहे हैं और पूरा मतलब थीम वीम खुद हम लोगों ने सोचा हुआ है। मेजरली मतलब ऐश्वर्या ने सोचा है, बाकी एग्जीक्यूशन में मैं आऊंगा, क्योंकि आइडिया से इम्पोर्टेंट मुझे एग्जीक्यूशन लगता है, बिकॉज एग्जीक्यूशन अगर अच्छे से हो जाएगा तो इट विल बी लुक नाइस। और हम लोग ये फोटोशूट आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत लोग करते हैं बेड पे करते हैं फोटोशूट, तो बेड को हम लोग एज अ बैकग्राउंड लेने वाले हैं और वहाँ पे पूरा थीम और डेकोरेशन करने वाले हैं जो भी रहेगा बेबी के लिए। तो गाइज आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस तरह प्यार मोहब्बत देते रहो और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट दी वीडियो और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या करने वाली। सबसे पहले सो गाइज वहाँ पे बेबी सो रही है और यहाँ पे मैंने बेस तैयार किया है, बैकग्राउंड तैयार किया जिसके ऊपर मैं अपना थीम डेकोरेट करने वाली हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, मेरे माइंड में जो है मैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाली हूँ। सो लेट मी शो यू। सो बेसिकली मेरा जो थीम है वो येलो कलर का थीम है, तो बेबी को हमने आज येलो ड्रेस पहनाई है जो रिजवान ने दी थी, आप लोगों ने दिखाया था बेबी के गिफ्ट्स में। तो मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल सनफ्लावर लिए हैं और इससे मैं नंबर लिखने वाली हूँ, साथ में डेकोरेशन भी करने वाली हूँ। और साथ ही मेरे पास कुछ ये लीव्स भी मैंने लिए हैं, ऑर्डर किए हैं, तो ये सब यूज़ करने वाली हूँ। तो कुछ नेचर थीम रहेगा विद सनफ्लावर एंड फ्रूट्स एंड ऑल ग्रीनरी। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे ब्राउन कलर का चार्ट पेपर मिल जाए जो ईजी रहता मेरे लिए, बट मुझे मिला नहीं। तो मैं इसी को यूज़ करके मतलब इसमें ट्री का जो ब्रांच होता है ना वो ड्रॉ करूँगी एंड फिर इसको कट आउट करके प्लेस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनली हम दोनों ने इसको चार्ट पेपर टाइप बना लिया, उसमें मैं ड्रॉ करने वाली एक ब्रांच, ट्री का ब्रांच। और आप लोग देख सकते होंगे मैंने यहाँ पे मैंगोज भी निकाल के रखे हैं, तो इसका भी यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊंगी कैसे। सो लेट्स ड्रॉ। अब मेरी बारी, जो तुमने ड्रॉ किया ना मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो गाइस ऐश्वर्या का ड्रॉ आप लोगों ने देख लिया, मुझे तो इतना ज्यादा मजा नहीं आया, मैं दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ किया। मैं दिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ। सो गाइस मैंने अपने थोड़े एक्सपर्टीज डाल दिया इसमें और कटिंग शुरू हो गई है हमारे। टम टम सो रही है टम टम। यहाँ पे देखो मम्मी का पौधा लेके आया है, ये मम्मी को जान से भी प्यारा है ये पौधा, और इसको प्रॉप बना रहे हैं बिकॉज वो लीव्स हमें कम लग रही है तो हम नेचुरल लीव्स का यूज कर रहे हैं। जब हमारे घर पे इतने सारे लीव्स पड़े हुए हैं, इतना पौधे लगा रखा है, किस दिन काम आएगा। राइट आमा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी। हमारी बेगम साहिबा कुछ कर रही है, क्या देख रहे हो यहाँ पे नंबर? मुझे नहीं कट करना पड़ेगा ये। अच्छा अभी कट हो गए ये, क्योंकि फिर ये ऐसे नहीं हो रहा ना, ऐसे नहीं हो रहे ना। ओके तो नीचे का हटा दोगे आप प्लास्टिक। अच्छा सेटअप हो गया है, आप लोग देखोगे तो पेड़ लग रहा होगा, अगर पेड़ लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो और बोल दो कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई और पेड़ लग रहा है। ये सेटअप इज ऑलमोस्ट रेडी, डंडा बन गया, बचे हुए कागज से हमने डंडा बना लिया जिससे वो मैंगोस तोड़ेगी। यस हैरी पॉटर का स्टिक ले दो। चलो टम टम। सो गाइस दिस इज द फाइनल सेटअप, आप लोग देख रहे हो काफी मेहनत की हम लोगों ने। मेरा बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है वहाँ पे एंड दिस इज लुकिंग नाइस। देखो अब यहाँ पे बेबी को रखेंगे बीच में और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा नेचुरल फीलिंग देने के लिए फ्लावर डाल रखा है ना यहाँ पे, क्योंकि इतना अच्छा फ्लावर बनाया है। दिस इज लुकिंग नाइस, हमें तो अच्छा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो गाइस मेहनत रंग लाई कर दी, आप लोगों ने देख लिया काफ़ी अच्छा आउटपुट आ चुका है और अब बेबी को रखेंगे और शूट करेंगे उसकी वीडियोज़।
और फोटो शूट करेंगे, देखते हैं कैसी लगती है। अभी वो उसको मतलब मेरे को तो देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी लगी, बिकॉज जो कलर है वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, वो येलो कलर ग्रीन कलर साथ जा रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और घर वाले आ चुके हैं, एक बार घर वालों को दिखाते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं, उनको कैसा लगता है। लेट्स डू इट। सो गाइस मुझे डर लग रहा है, मैंने कुछ यहाँ पत्ते तोड़ वोड़ के सेटअप किया हुआ है, तो कहीं मम्मी मुझे गाली वाली दे। लेट्स सी कैसा लग रहा है अम्मा। ये मेरा आइडिया अम्मा, पेड़ पौधे कम पड़ रहे थे तो मैंने पूरा वाज ले लिया, लत्तड़ की रस्सी यूज कर लिया, आपका आपके बच्चे का यूज किया मैंने इस बार फोटो शूट में, मेरे बच्चे के फोटो शूट में। अपने बच्चे का मेरा बच्चा उठा के ले आए। हजुरावा हजुरावा है वहां पे वीडियो कॉल में। हजुरावा नमस्ते, कस तो लाग दे छा हमरो प्यारी सी बेटी टमटम। थैंक यू हजुरावा। टमटम रहे करे उनकी बोलावनी टमटम। सो हम लोगों ने कोशिश की बेबी के साथ शूट करें, बट बेबी शूट करते करते उठ गई, बिकॉज उसे भूख लग गई थी, तो उसको फीड करा, और सुलाते सुलाते मुझे नींद आने लग गई है। तो अभी बेबी को फीड किया, अब वो सो रही है, आप देख सकते हैं कहाँ सो रही है, रोशन के लैप में सो रही है, मस्त बेटी। और मैं भी सोने लग गया। और हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं वाटरमेलन जूस। Cheers। तो हम लोगों ने ले लिया एक ब्रेक, समर्स में अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। गाइस 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, जितने भी नए लोग हैं। एग्जैक्टली 1.5 लाख हो जाएगा भाई साहब, क्या बताऊं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हो ना यार, क्या बताऊं मैं। और काफी नए लोग हमसे जुड़े हैं, तो स्पेशली मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कि मॉम्स बहुत जुड़ी है जिनके बेबीज हैं ऑलरेडी, तो वो काफ़ी हमें एडवाइजेस लिख के देते हैं, और उससे पता चलता है कि हाँ यार, मतलब हमारी ऑडियंस मुझे पता चल रही है कि नए लोग आए, ऑडियंस है, हाँ, अब नए नए लोग जुड़ने जा रहे हैं अपने साथ, प्रेग्नेंट लेडीज जुड़ गई हैं, काफ़ी मॉम्स जुड़ गई हैं, तो अब अच्छा लग रहा है। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लाएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लाने वाले हैं बेबी से रिलेटेड, कि बेबी को जैसे हम लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं बेबी के डिफरेंट टाइप के, तो काफ़ी हम लोग रिसर्च करते हैं, फिर ढूंढते हैं कि कौन सा बेस्ट है बेबी के लिए। तो नेक्स्ट हम सोच रहे हैं एक वीडियो उस पर भी लाएं कि हम बेबी के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और बेबीज़ के लिए आजकल इतने चीज़ें आ गई हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी चीज़ें आ चुकी हैं बेबीज़ के लिए, अब हम वो वीडियो भी ज़रूर लेके आएंगे। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सच में वो लग, अब तुम अब पता चल रहा है कि हाँ बेबी का फेस तुम पे गया है, अब लग रहा है। दादा 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 करेगी। सो गाइस देखो कितना लंबा मैसेज लिखा हुआ, कमेंट किया हुआ, देखो कितना लंबा कमेंट है, किसने किया है, इनका नाम खुशबू है, तो बहुत ही लंबा कमेंट किया, और इस कमेंट को मैंने रखा हुआ सेव करके, बिकॉज कभी अगर हम क्यू एने बनाए कुछ बनाए तो हम लोग जरूर करेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ गाइस, थोड़ा लेट पढ़ता हूँ, क्या पता है एक हफ्ते बाद पढ़ू, हाँ, मतलब बीच में तो हमें एक महीने बाद भी पढ़ू, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ सारे कमेंट्स। बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था हमें, जब हमारा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मैं, उसके बाद तो हमने 3-4-5 दिन तक देखा ही नहीं फोन, इतने बिजी हो गए थे स्पेशली मैं, तो अब जाके जब थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, थोड़े से फ्री हो रहे हैं, थोड़ा सा बेबी के साथ हम समझ चुके हैं कि कैसे एडजस्ट करना है, ये जो है ना मिल रहा है टाइम हमें वीडियोज बनाने का भी और कॉमेंट्स पढ़ने का भी। और गाइस जिन्होंने कमेंट किया उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें बताई हुई है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो उन्होंने जो स्पेशली बोला है कि जो ड्रेस आप लोगों ने रखा है ना वो तुरंत पहना दो, ये तो बहुत लोगों ने लिखा है, सबसे ज्यादा कमेंट आया इस बात का। तो और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था बहुत लोगों ने, मतलब 4-5 लोगों ने एक ही चीज लिखी थी, आई गेस वो मॉम्स हैं सारी, कि बेबीज के ईयर पियर्स कर दो वो पहले, भी इसमें सेम वही, वो भी इसमें यही लिखा हुआ है, ये बहुत लोगों ने लिखा है कि बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो पहले बेबी के पियर्सिंग कर देना। मुझे सबसे अच्छा लगा इन्होंने बच्चे को बोला लाडो रानी, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कमेंट, तो आई लाइक इट, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहो, इसी तरह कमेंट्स करते रहा करो, हमें बड़ा मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, आपके एडवाइसेस पढ़ने में, मतलब हम न्यू पेरेंट्स हैं तो हमें बहुत जरूरत है आपके एडवाइस की, कुछ नया पता चले कि हाँ ऐसे भी हो सकती है चीजें। बेबी सो रही है तो यही सही मौका है, हम लोग शूट कर लेते हैं बेबी के साथ, है ना बाबू। चलो ये हमारा फाइनल सेटअप, यहाँ पे रोशन ने ऐड किया जो कि मुझे अच्छा लगा, फ्लावर्स एक्स्ट्रा थे तो यूज कर लिया, अब हम यहाँ पे बेबी को प्लेस करेंगे, ले आओ। अरे मेरे शुकुलू, अरे मेरे गुरु, देखो पापा ने कितना लूज कर दिया ना आपके लिए, आपको टाइट लग गए, ठीक है, फेस भी छुपा सकते हो, इससे लग रहा है।
सो गाइस यहाँ सेटअप लग चुका है और बेबी की फोटो शूट आने वाला है जल्दी से है? और आप लोग मुझे रेटिंग देके बताना कैसा हम लोगों ने सेटअप किया है। कितना पाले लग रहा है मेरा बच्चा येलो देश में। नाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज फोटोशूट में और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जो कमिंग मंथ्स है उस सब मंथ्स में हम कुछ ना कुछ सोचेंगे अलग डिफरेंट थीम्स और उस हिसाब से फोटोशूट करेंगे। और इसके साथ साथ अब हम रिवील करने वाले हैं अपने बेबी का नेम। और बेबी का नाम रखा गया है राइशा राय, RAYSHA। और इट्स राइशा, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट सा। एंड इसका मीनिंग है एंजल ऑफ गॉड, ब्यूटीफुल एंजल ऑफ गॉड। तो ये नेम वही है जो हम लोगों ने बहुत ही पहले सोचा हुआ था जब हम लोग डेट कर रहे थे, उस टाइम का हमने सोचा हुआ जब ये खुद छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची हो क्या तुम? तो वैसे तो बहुत लोगों ने हमें सजेशंस दिए थे और अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे, बट वही है कि एक होता है ना, एक ऐसा कनेक्शन सा नहीं फील हो रहा था कि हाँ ये परफेक्ट फील नहीं आ रहा था, वाइब नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा यार, हमने वो तब से सोचा हुआ था वो नेम, तो किसी रीजन से हमने तब सोचा था, बिकॉज हमने बेबी गर्ल का ही सोचा था, बेबी बॉय का हमने नहीं सोचा था साथ में कभी। right. तो बेबी गर्ल का ही सोचा था, तो मेरे को लगा कि यार शायद हमने इसीलिए सोचा था क्योंकि बेबी गर्ल ही होने वाली होगी। लेट अस नो कि आपको ये नेम कैसा लगता है। और आप लोगों को निकनेम पता है, इसका नाम है टमटम। निकनेम जो मैंने दिया है टमटम दिया है, टमाटर की तरह गाल है, आप लोगों लास्ट व्लॉग में देखा होगा। सिर्फ डैडी बुलाते हैं टमटम इसको, सिर्फ डैडी बुलाएंगे। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे बुलाऊंगा रेज, क्योंकि ये रोशन की रेज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड वी होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। एंड लेट अस नो आपको और क्या वीडियोस चाहिए, पेरेंटिंग या बेबी से रिलेटेड या कपल से रिलेटेड, हम लोग वो जरूर ट्राई करेंगे बनाने का। और हमारे थोड़े शॉर्ट्स थोड़े लेट आ रहे हैं गाइस, बट हमारे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोस धीरे-धीरे आएंगे, बैक एंड फॉर्म करेंगे हम लोग। बट अभी कुछ टाइम अपने बेबी को देना चाहते हैं और कुछ टाइम अपने आप को खुद को भी देना चाहते हैं, देन सब कुछ सेट हो जाएगा, वी विल बी bouncing back again। और आप लोग इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। प्लीज इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहो। एंड दोबारा एक डालूंगा, व्हाटएवर यू डूइंग कीप डूइंग इट, डोंट स्टॉप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय।